ये जो इतना हमारी पीडीएम गवर्नमेंट ने 16 महीने अपने अरमान ले के सीने में अपने केसेस जो खत्म और कराए। अपने आप को जो NRO खुद दिए, हाँ, तो वो बैक टू स्क्वायर वन वो वाली सिचुएशन सारे वो लूडो में 99 पे 0 पे चले गए, 0 पे चले गए, वो सांप खा गया वो सारी आपकी एफर्ट। और अल्टीमेटली अब उसका नुकसान क्या है, उसके रिपरकशंस हैं। नंबर 1 के पार्लियामेंट जो है और सुप्रीम कोर्ट जो है उनको आमने सामने ला के खड़ा कर दिया गया, खुद वो चले गए हैं। लेकिन क्यों चले गए? अदारों के अंदर जो है सारे रिटायर हुए हैं, उनने उनका तो दिल नहीं चाह रहा था कि वो जाए, वो तो चाहते थे किस कि तरह? वो ये चांदी सन रवण, ऑफ कोर्स जो मजे बहा रहे हैं। कोई और ऐसी कोई जो इंडिकेशन आपको मिली थी? नहीं, देखिए जब आप इस किस्म के उद्दे पे आ जाते हैं जहाँ पे सबको आप पूछ रहे हो और आपको कोई पूछने वाला ना हो, तो ये तो आइडियल लाइफ, आइडियल आपके सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें सबको पूछने का इख्तियार आपके पास हो लेकिन किसी के पास आपको पूछने का इख्तियार ना हो। तो ये कौन छोड़ना चाहता है इस तरह के मजे और बहारें। लेकिन आयन ने ना एक दरा लगा के इनकी वो ख्वाहिशात को कैद कर दिया कि आइन कभी भी सबको बेमुहार छोड़ के तो हर एक पे चढ़ दौड़ने की सहूलतकारी नहीं अच्छा, करता। ये अभी जो अभी नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे तो वो कोई नया बेंच बनाते हैं, नया बेंच बना के अगर ये सारी चीज़ें रिवर्ट हो जाती हैं, अभी तो 2-1 का फैसला है, ठीक है, सो बड़ा बेंच बन जाता है, बड़ा बेंच बन के इसको हो सकता है फैसला रिवर्ट हो जाए, वापस चला जाए, तो फिर उसमें आप लोग अभी तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी थी आपने कहा इस बिल में और आपने निशानदेही भी की उसकी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि खुद ही अपने आप ही तुसी उत्थे बेल आउट कर रहे हो, खुद ही तुसी अपने मसले खत्म कर रहे हो, खुद ही केसेस खत्म कर रहे हो, दैट वाज टेकन इन अ बैड बैड टेस्ट। देखिए राणा साहब, इस मुल्क के अंदर जो इससे कोई मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि इससे अगर दोबारा एक नया बेंच बन जाता है, क्योंकि ये तो आखिरी दिन था चीफ जस्टिस साहब का, शॉर्ट एंड स्वीट फैसले की वो जी जी निशानदेही भी जी कर चुके थे, अब आइंदा आने वाले दिनों में नए चीफ जस्टिस साहब बड़ा बेंच बना के इसको रिवर्ट अगर कर देते हैं, या अभी या फॉर दैट मैटर उसमें चलता रहता है सिलसिला और थोड़ी देर के बाद रिवर्ट होता है, तो इससे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो वापस आने की तैयारी करके बैठे हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स और बाइंडिंग्स और आगे उसको चैलेंज करने की स्ट्रेटजी है और ऑप्शंस हैं, वो तो आइन में दर्ज हैं। और मियां साहब मुझे की वापसी तक वो फर्क पड़ेगा? सर, एक तो ये है कि इसने चैलेंज होना ही होना है, ठीक है, दूसरा ये है कि जाहिर जहाँ कहीं गैप्स रह गए और जो मंसूर अली शाह साहब ने जिसको इंडिकेट किया है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है कि आप उस फैसले से इख्तलाफ करते हैं, अब वो फैसला सुनाते हैं लेकिन इख्तलाफ करने वाली की राय जो है उसको दबा देते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पब्लिक नहीं होता, उनकी आवाज़ लोगों तक नहीं जाती, तो वो एक मैलाफाइडी इटसेल्फ एक मैलाफाइडी है कि आपने अपनी बात तो सुना दी जहांगीर लेकिन तरीन साहब कहाँ खड़े हैं सारे फैसले इस सारे फैसले में? तो वो कहीं पर भी जहांगीर तरीन साहब का तो कोई ऐसा नहीं, केस उनका नहीं था स्टैंस कि क्या है? जिसमें वो इसमें क्लैरिटी के साथ ये समझते हैं कि ये जमहूरियत के को कत्ल करने की मुतरादफ सोच है और ये फैसला ये फैसला और ये जमहूरी जो सोच है उसकी अक्कासी नहीं करता। क्या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि उनका टेन्योर जो है वो स्ट्रेच कर जाए, बढ़ जाए, 4-6 महीने और रह जाए वो? देखिए, वो तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि नहीं, मनु नहीं काफी पता, मैं बिल्कुल नहीं सादा। उन्होंने दी ख्वाहिश थे ऐसी थे तुहाडी ख्वाहिश तुहाडे ख्याल नाल अगे भी असा डिस्कस कीता है कि किसका दिल चाहता है कि बाहर उनकी जो ख्वाहिश थी कि वो जनाब 4-6 महीने और निकाल जाए, निकाल जाए, ये आप कह रही हैं, ठीक है, आपको ऐसे इकोनमी हो या उसके साथ जुड़ा कोई भी चैलेंज जो है उसको जोड़ के तो कोई निकला रास्ता। अच्छा चले, वो मतलब कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बकौल आपके वो चाहते थे कि 4-6 महीने और वो वजीर आजम रह जाए, मतलब कि अगर फॉर वन रीजन और दी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अगर उनको सपोर्ट मिले तो
क्योंकि असेंबली का इख्तियार और इस्तेकाक तो है ना, असेंबली अपना टेन्योर एक्सटेंड करने के लिए हुकूमत को वो मैंडेट तो दे सकती थी ना, दे सकती थी, तो वो चाहते थे कि उनको 4-6 महीने होंगे। अगर वो रुकावट क्या हुई, क्या वजह क्या हुई, क्यों नहीं रह सके? देखिए जो परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। आपके सामने ही है कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी है, महंगाई इस वक्त पीक पे है, और ओवरऑल जो चैलेंजेस पाकिस्तान के बड़े बिजली के बिलों में, जिस तरह वहाँ पे बिजली गिरी और लोग जो हैं वो उस महंगाई के बोझ के नीचे दब गए, और जो डॉलर जिसको कंट्रोल और लगाम देने के लिए उन्हें लाया गया था वो बेलगाम हो के पाकिस्तान की सारी जो पुराने रिकॉर्ड से उम्मीदें थी उनको सत्यानाश करके, तहस नहस करके, तो हर चीज पे हावी हो रहा था। तो आप भी देखें वही डॉलर है, केयर टेकर गवर्नमेंट है। अगर सारी बातें डॉक्टर साहब, अगर सारी चीजें अगर ठीक करनी है फौज वालों ने, मतलब फौज वाले अगर पिंडी ने ही सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेनी है, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे वो डॉलर की स्मगलिंग हो, चाहे वो बॉर्डर पे स्मगलिंग हो, चाहे वो सफ़ेद मक्खी को उन्होंने स्प्रे कराना हो, अगर वो भी सब कुछ फौज नहीं करना है तो फिर आप लोगों की ज़रूरत क्या है? ये दो काफ़ी चीज़ें आपने अंदर से छोड़ दी हैं, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, चाहे वो दहशतगर्दी से निपटना हो, चाहे वो मजहबी अफरा तफरी हो, कहीं पे इंटरनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, हर मोर्चे पे हमने उनको एंगेज रखना है। और ये इंडिकेट करता है कि हमने जो है वो अपने हिस्से का बोझ एज अ पॉलिटिशियन या एज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हम वो गैप जो है, वो वैक्यूम जो है, लीडरशिप क्राइसिस, उसको फिल नहीं कर पा रहे। और हम देयर इज अ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, ऑफ कोर्स, जब हम डिलीवर नहीं करेंगे, जब हम गवर्नेंगे, जब हम परफॉर्म नहीं करेंगे, तो वो जो गैप है, वो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी लकीली आपने मेरे साथ ही पढ़ी थी जी, और दोनों उसी एनडीयू के कट्टू के कट्टे स्टूडेंट थे जी, जिसके अंदर वर्कशॉप के वर्कशॉप, मैं उसके बाद साल और भी लाया था। उसका नंबर वन असूल ये है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का जो बेसिक कंपोनेंट है वो इकोनमी है और डिफेंस है और आपकी सॉवरेनिटी है और उसके साथ जुड़ा टोटल जो एक रोल है इंस्टीट्यूशन का। वर्कशॉप ही लाएगे वापस जी, तो सर उसके अंदर अगर इकोनमी आपकी पॉलिटिशियन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे नहीं, तो फिर जरूरत की है, फिर इलेक्शंस की जरूरत है सर। इलेक्शन इसलिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये रोल जो है वो पार्लियामेंट को मिला हुआ है, ये आपके इलेक्शन, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दें, आप वो रोल अगर अदा नहीं कर सकते तो हंसी खुशी आप उनको दे दें जिनको काम करना।